देश परदेश विद जमशेद बे के इस प्रोग्राम में हम आपको स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा की 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख के बारे में बताने के साथ साथ इस खूबसूरत और तारीखी शहर के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प हकायक से भी आगाह करेंगे। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडिनबरा स्कॉटलैंड के मशरकी साहिल पर दरियाए फिर्थ और फोर्थ के जनूबी किनारे पर वाकया है। एडिनबरा के इलाके में सबसे पहली इंसानी बस्ती के शवाहद क्रेमाउंट के मुकाम पर मिलते हैं। यहां 8,500 साल कबले मसीह खैमों की शक्ल में एक बस्ती आबाद थी। इसके अलावा कैसल रॉक, आर्थर सीट, क्रेग लॉक हार्ट हिल और पैंटलैंड के पहाड़ों पर कांसी और लोहे के जमाने की बस्तियों के आसार भी मिलते हैं। पहली सदी के अवाखर में जब रोमन पहली बार इस इलाके में दाखिल हुए तो उन्हें एक ब्रिटोनिक नामी कैटलक कबीला मिला, जिसका नाम उन्होंने अपनी तारीख की किताबों में बोतादीनी के नाम से दर्ज किया। इस बोतादीनी कबीले ने क्रोने वस्ता में सल्तनत गोडोडीन कायम की और एडिनबरा इस सल्तनत के अजला में से एक के तौर पर काम कर रहा था। सन 600 ईस्वी में इस शहर को दीन ईदन या ईदन का कला के नाम से भी जाना जाता था। इस शहर को मुकामी लोगों ने प्यार से ओलद रीकी के नाम से भी मंसूब किया हुआ था। रीकी का मतलब है लकड़ी या कोयले से पैदा होने वाला धुआं और ओलद आसमान को कहते हैं। कहा जाता है कि इस शहर के गिर्दोनवा की चिमनियों से निकलने वाले धुएं की वजह से ये शहर हर वक्त एक काले बादल की लपेट में रहता था, जिसकी वजह से मुकामी लोग इसे ओलद रीकी कहते थे। सन 638 में नॉर्थ एम्ब्रिया के बादशाह ओसवाल्ड के वफादार अफवाज ने सल्तनत गोडोडीन के इस गढ़ का मुहासरा करके इस इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया। कुछ तारीख दानों के मुताबिक एडिनबरा का नाम एडवन फोर्ट की पुरानी अंग्रेजी से निकला है। एडवन जो कि 7वीं सदी में नॉर्थ एम्ब्रिया के बादशाह थे, ब्राह का मतलब है कला या चार दीवारी के अंदर बनाई गई इमारतें, एडवन ब्रा यानी एडवन का कला। कुछ मुहक्कीकीन के मुताबिक इस शहर का ये नाम एडवन के बादशाह बनने से पहले था, लिहाजा इस मफरूजे के दुरुस्त होने के अमकानात काफी कम हैं। बारहवीं सदी के अवायल में स्कॉटलैंड के बादशाह डेविड अव्वल ने बाकायदा तौर पर इस शहर में शाही रहायश गाहों की तामीर की बुनियाद रखी। स्कॉटलैंड की जंगे आज़ादी के दौरान एडिनबरा 1291 से 1314 और 1333 से 1348 तक बरतानवी तसल्लुत में रहा। सन 1298 में जब बरतानिया ने स्कॉटलैंड पर हमला किया तो स्कॉटलैंड के बादशाह एडवर्ड ने इस शहर में दाखिल ना होने का फैसला किया और इसे बरतानवी कब्जे में छोड़कर अपनी अफवाज के साथ यहां से निकल गया।
सन 1603 में जब स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स शिशम को बरतानवी राज विरासत में मिला और वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुश्तरका बादशाह बने, तो उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बादशाहत को एक जाती इकट्ठ में जोड़ दिया। हालांकि स्कॉटलैंड बाकी तमाम मामलों में एक अलहदा ममलकत रहा। सन 1638 में बादशाह चार्ल्स अव्वल की एंग्लिकन चर्च के कायदों जवाबत में तब्दीली की कोशिश को प्रेस्बिटेरियन की सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में तीन रियासतों की जंगों का आगाज हुआ। सन 1650 में चार्ल्स स्टुअर्ट की इंग्लिस्तान के तख्त पर बहाली के लिए स्कॉटलैंड की हमायत के नतीजे में ओलिवर क्रॉमवेल की सरपरस्ती में कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड की अफवाज द न्यू मॉडल आर्मी ने एडिनबरा पर कब्जा कर लिया। सत्रहवीं सदी में भी एडिनबरा की हदूद शहर की दफाई दीवारों तक ही महदूद थी, जिसके नतीजे में शहर की बढ़ती हुई आबादी की रहायश की कमी को पूरा करने के लिए मकानात की ऊंचाई में इजाफा किया गया। शहर के अंदर 11 मंजिला या उससे भी ज्यादा की इमारतें आम थीं और इन्हें जदीद दौर की फलकबोस इमारत के पेशे रो के तौर पर भी बयान किया गया है। इन इमारतों में से ज्यादातर पुराने ढांचे को आज के ओल्ड टाउन में नजर आने वाली विक्टोरियन तर्ज तामीर में तब्दील कर दिया गया था। सन 1611 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत शहर में नज्म व नस्क बरकरार रखने के लिए एडिनबरा में हाई कांस्टेबल तैनात किए गए, जिसे दुनिया की कदीम तरीन कानूनी पुलिस फोर्स समझा जाता है। सन 1706 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान इलाहाक के मुआहदे के बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के पार्लिमानों ने बिल तरतीब 1706 और 1707 में इलाहाक के एक्ट पास किए, जो कि 1 मई 1707 से नाफजुल अमल होकर बरतानिया की बादशाहत में दोनों रियासतों को मुतहद करते हैं। इस इत्तेहाद के नतीजे में स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जम होकर बरतानवी पार्लियामेंट की शक्ल इख्तियार कर गई, जो लंदन के वेस्टमिंस्टर में बैठती थी।